अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। और उम्मीद है कि आप डेली का लेक्चर सुन रहे होंगे और अपनी अटेंडेंस भी भेज रहे होंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि डेली के लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिलता रहे। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर 17, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में हम प्लांट्स का भी देखेंगे कि प्लांट्स में किस तरह से कोऑर्डिनेशन है और एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग की बॉडी में किस तरह से कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल सिस्टम जो है वो पाया जाता है। तो कोऑर्डिनेशन, जैसे कि इसका मतलब है रब्त, तो हम देखेंगे कि प्लांट्स में किस तरह से बाहमी रब्त या कोऑर्डिनेशन होता है डिफरेंट पार्ट्स का, ऑर्गन्स का, जिससे पूरी बॉडी जो है उनकी फंक्शनल रहती है। और इसी तरह से एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग में भी हम ये देखेंगे। तो आज इसका क्योंकि स्टार्ट है, फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है आपकी बुक में। आपकी बुक का ये पेज नंबर 53 है। इसमें फर्स्ट है कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जानदारों में कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो कि कॉमन हैं, एक जैसी हैं। मीन्स प्लांट्स और एनिमल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी खसूसियात हैं जो प्लांट्स में भी पाई जाती हैं, एनिमल्स में भी पाई जाती हैं। उसमें फर्स्ट है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, दैट इज़ एक्सटर्नल और इंटरनल। कि चाहे प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, वो अपने स्टिमुलस के मुताबिक रिस्पॉन्स शो करते हैं। अब स्टिमुलस क्या है, पिछले चैप्टर में भी आपने पढ़ा था कि स्टिमुलस कोई भी ऐसा फैक्टर हो सकता है जो कि बॉडी के अंदर का हो, जिसके चेंज होने से बॉडी कोई रिस्पॉन्स शो करे, या बॉडी के बाहर एनवायरनमेंट में, जैसे लिखा हुआ है कि स्टिमुलाई जो है वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी। जो एक्सटर्नल हैं मीन्स एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं, जिसमें लाइट है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, वाटर अवेलेबिलिटी है, इस तरह के जो फैक्टर्स हमारी एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं जिनके चेंज होने से बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स शो करती है, तो वो एक्सटर्नल स्टिमुलस है। या बॉडी के अंदर के कोई फैक्टर्स, कोई इस तरह की तब्दीलियाँ आती हैं, तो वो उसका अंदर का स्टिमुलस जो है वो इंटरनल स्टिमुलस होता है और उस स्टिमुलस के मुताबिक भी बॉडी रिस्पॉन्स शो करती है। यहाँ पर देखें तो प्लांट स्टिमुलस के हवाले से दिखाया गया है, जैसे यहाँ पर एक ऐसा प्लांट दिखाया गया है जो कि फोटोट्रॉपिज्म शो करता है, मीन्स वो उस तरफ मूव करता है, मूवमेंट शो करता है जहाँ पर उसको लाइट अवेलेबल हो। तो यहाँ पर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि फर्स्ट जो है ये पॉड, इसमें जो प्लांट है इसके ऊपर डायरेक्ट इसको सनलाइट मिल रही है फ्रॉम अपवर्ड, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट अपराइट है, ठीक है। अब इसी तरह से जब सोर्स ऑफ लाइट को चेंज किया गया, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी गई, तो प्लांट देखें, प्लांट की भी डायरेक्शन उसी तरफ है, मतलब प्लांट में मूवमेंट हुई है, वो टुवर्ड्स द लाइट मूव कर रहा है, तो ये रिस्पॉन्स शो कर रहा है स्टिमुलस का। तो स्टिमुलस देखें इसमें क्या है, लाइट है, ठीक है। लाइट जो है ये एक्सटर्नल स्टिमुलस है कि उसके एनवायरनमेंट से मिल रहा है। लाइट जिस तरफ से उसको मिल रही है, बॉडी उसी तरफ मूव कर रही है, तो बॉडी की जो मूवमेंट है ये उसका रिस्पॉन्स है। इसी तरह से हम दूसरी एग्जाम्पल इसमें प्लांट्स के वाले से ले सकते हैं कि ये आपको नज़र आ रहा है एक सेंसिटिव प्लांट, या इसको छुई मुई का पौधा जिसको कहते हैं। इसको देखें तो यहाँ पर दिखाया गया है कि इसमें इसके लीव्स जो हैं ये खुले हुए हैं, और दूसरी तरफ देखें इसके लीव्स बिल्कुल बंद हैं। होता क्या है कि ये टच स्टिमुलस को जो है ये डिटेक्ट करते हैं और उसका रिस्पॉन्स शो करते हैं। जब इनके लीव्स को टच किया जाता है तो ये फौरन से अपने लीव्स जो हैं ये क्लोज कर देते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये टच जो है ये स्टिमुलस है, और उसके बदले में जो ये रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं वो क्या है कि ये अपने लीव्स को क्लोज कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट प्लांट्स जो हैं डिफरेंट स्टिमुलस का रिस्पॉन्स इस तरीके से शो करते हैं। फिर इसमें है कि एक्टिविटीज़ ऑफ बॉडी पार्ट्स मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड, क्योंकि हम कोऑर्डिनेशन के हवाले से पढ़ रहे हैं, तो बॉडी पार्ट्स में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनमें आपस में रब्त होना चाहिए, आपस में एक दूसरे के पार्ट्स का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि पूरी बॉडी जो है उस तरह से फंक्शनली जो है वो एक्ट कर सके। कोऑर्डिनेशन इज़ मस्ट फॉर एनी ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, किसी भी जानदार के लिए कोऑर्डिनेशन का होना ज़रूरी है, क्योंकि एक बॉडी है तो उसमें जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस भी डिफरेंट हैं, और वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करके ही पूरी बॉडी को एक्टिव रखते हैं या फंक्शनल रखते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कोऑर्डिनेशन एग्जिस्ट बिटवीन वेरियस सेलुलर प्रोसेसेस एंड दे रेस्पॉन्ड टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट। अब अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जो सबसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनमें आप ये देखें डायग्राम, तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि अमीबा है, यूग्लिना, पैरामीशियम, बैक्टीरिया वगैरह, तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दिखाए गए हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें होता ही एक सेल है, तो उनमें कोऑर्डिनेशन किस तरह से होता है,
अब ये देखें कि सेल तो एक है, लेकिन सेल के अंदर पाए जाने वाले मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स होते हैं और हर एक ऑर्गेनल का फंक्शन भी स्पेसिफिक होता है। तो वो जो उसके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनल हैं वो स्पेसिफिक जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उनमें भी आपस में पूरे सेल के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, जिसकी वजह से वो एग्जिस्ट करते हैं। मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में कैसे होता है कि इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर अमंग सेल्स। तो यहाँ पर देखें कि ये ह्यूमन बॉडी दिखाई गई है जो कि मल्टी सेलर है, प्लांट्स भी आ सकते हैं इसमें, वो भी मल्टी सेलर होते हैं। तो उनमें क्या होता है कि डिवीजन ऑफ लेबर होती है। एनिमल्स के केस में ये डिवीजन ऑफ लेबर ज़्यादा होती है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि लेबर किसी काम को लेबर कहते हैं, तो डिवीजन हुई हुई है काम की, तकसीम हुई हुई है, मतलब डिफरेंट जो सेल्स हैं उनके जो फंक्शंस हैं उन्होंने जो काम करना है वो डिफरेंट है। जैसे बोन सेल्स हैं तो उनका फंक्शन डिफरेंट है, ब्लड सेल्स हैं तो उनके फंक्शंस और हैं, नर्व सेल्स हैं तो उनके फंक्शंस और हैं, इसी तरह बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। और ये सारे ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं, सेल्स आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं, ताकि ये पूरी बॉडी को फंक्शनल रखें। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि कोई भी स्टिमुलस होता है तो बॉडी उसका रिस्पॉन्स शो करती है। अब कुछ स्टिमुलाई एनवायरनमेंट के ऐसे भी होते हैं जिसका रिस्पॉन्स हम शो नहीं करते। ह्यूमन बीइंग के केस में अगर हम बात करें तो कुछ स्टिमुलाई ऐसे भी होते हैं जिनको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। उसमें एक एग्जांपल ये है कि बैक्टीरिया को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। जैसा कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग की बॉडी के ऊपर जगह जगह पर बैक्टीरिया मौजूद हैं, लेकिन ह्यूमन बॉडी जो है उसको डिटेक्ट नहीं करती। उसकी वजह यह है कि स्किन के जो सेंसरी सेल्स होते हैं उनमें ये एबिलिटी नहीं होती कि वो बैक्टीरिया को डिटेक्ट कर सकें, जिसकी वजह से हम उसका कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करते। देन कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में किस तरह से होती है, इसमें हार्मोन्स का भी फैक्टर पाया जाता है कि हार्मोन्स जो है वो कोऑर्डिनेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। प्लांट्स बिहेव बट डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। अब बिहेवियर जो है प्लांट्स भी शो करते हैं, लेकिन प्लांट्स का जो बिहेवियर होता है एनिमल्स से टोटली डिफरेंट होता है। बिहेवियर की हम बात क्यों कर रहे हैं, जब हम बात करते हैं रिस्पॉन्स की, कि जब कोई बाहर से स्टिमुलस मिलता है तो बॉडी उसका रिस्पॉन्स शो करती है। जो उसका रिस्पॉन्स है इनफैक्ट इट इज़ बिहेवियर, वो प्लांट का बिहेवियर है या वो एनिमल का बिहेवियर है जो एनिमल रिस्पॉन्स शो कर रहा है। तो ये जो रिस्पॉन्सेज होते हैं ये डिफरेंट क्यों हैं प्लांट्स और एनिमल में, एक तो ये कि प्लांट्स जो हैं दे शो स्लो रिस्पॉन्स बट एनिमल्स शो रैपिड रिस्पॉन्स। अब एनिमल्स में रिस्पॉन्स जो है वो कहते हैं रैपिड है, कि कोई भी स्टिमुलस मिलता है तो रिस्पॉन्स फ़ौरन से वो शो करते हैं, जबकि प्लांट्स को जब कोई स्टिमुलस मिलता है उनमें रिस्पॉन्स बहुत स्लोली होता है। इसकी मैं आपको ये एग्जांपल दूंगी कि एनिमल्स के केस में ह्यूमन बीइंग को देख लें कि आपको आप चलते जा रहे हैं और आपके पाँव पे कोई कांटा चुभ जाता है तो आप फ़ौरन से रिस्पॉन्स शो करते हैं, फ़ौरन से आप पाँव वहाँ से हटाते हैं। तो ये रैपिड रिस्पॉन्स है। रैपिड रिस्पॉन्स किस वजह से, आपकी हमारी बॉडी में मसल्स होते हैं और वो उसको डिटेक्ट करके फ़ौरन से रिस्पॉन्स शो करते हैं, जबकि प्लांट्स में इस तरह के मसल्स वगैरह नहीं पाए जाते और उसमें रिस्पॉन्स जो होता है वो स्लो इसलिए है कि जैसे हमने अभी पहले एग्जांपल पढ़ी है कि फोटोट्रॉपिज्म के केस में जब सोर्स ऑफ लाइट एक डायरेक्शन से प्लांट को मिल रही है तो प्लांट उसी तरफ मूव कर रहा है। जब सोर्स ऑफ लाइट को हमने चेंज कर दी, उसकी डायरेक्शन हमने दूसरी तरफ कर दी, तो प्लांट जो है वो दूसरी तरफ मूव करेगा, लेकिन वो फ़ौरन से मूव नहीं करेगा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, स्लो रिस्पॉन्स शो करते हैं वो। दूसरा जो डिफरेंस है इनमें वो ये है कि प्लांट्स जो हैं वो सेसाइल हैं और एनिमल्स मोटाइल हैं। जैसा कि आपको पता है सेसाइल मीन्स के जो मूव ना कर सके, साकिन हो, एक ही जगह पर रहता हो। प्लांट्स जो हैं वो अपनी जगह से हरकत करके दूसरी जगह तक मुंतकिल नहीं हो सके सकते, जबकि एनिमल्स जो हैं ये मोटाइल हैं, मूव कर सकते हैं, अपनी जगह जो है वो तब्दील कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इसी तरह से कंट्रोल जो है प्लांट्स में ये सिर्फ हार्मोन्स के ज़रिए मेजरली होता है, जबकि एनिमल्स में जो कंट्रोल है वो हार्मोन्स के ज़रिए भी हो सकता है, या फिर उसमें जो वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है वो अपना रोल प्ले करता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं प्लांट्स और एनिमल्स के। बिहेवियर ऑफ प्लांट डिपेंड्स ऑन वेरिएशंस इन ग्रोथ रेट एंड चेंजेस इन टर्जिडिटी ऑफ सेल्स। जब प्लांट्स बिहेवियर अपना शो करते हैं या रिस्पॉन्स शो करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं, एक तो वो अपने जो ग्रोथ रेट है उसको चेंज कर लेते हैं, मतलब उसके जो रेट है, जिस रेट से वो ग्रोथ कर रहा है अपने सेल्स की, उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, वेरिएशन उसके रेट में आ सकती है। और दूसरा ये कि चेंजेस इन टर्जिडिटी ऑफ सेल्स, सेल की जो टर्जिडिटी है उसको चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो अपना बिहेवियर या मूवमेंट जो है अपनी जगह पर रहते हुए अपने ऑर्गन्स को मूव करते हैं। तो टर्जिडिटी क्या होती है,
कि एक सेल के अंदर जब वो भर जाता है पानी, उसके अंदर फुल हो जाता है, उसके वैक्यूल जो है वो भर जाते हैं पानी से, तो उसको कहते हैं कि ये सेल जो है ये टर्जिड हो गया है। और जब वो लूज़ कर लेता है वाटर तो वो फिर श्रिंक हो जाता है और वाटर जो है उसके नेबरिंग सेल्स में या आउटसाइड द सेल चला जाता है। तो जब ये बिहेवियर शो करते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं, तो वो किस वजह से होता है कि वेरिएशन इन ग्रोथ रेट और दूसरा चेंजेस इन टर्जिडिटी ऑफ सेल्स। जैसे हमने पहले भी बात की कि प्लांट्स में जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत स्लो होता है, हार्मोनल कंट्रोल की जैसे हम बात कर रहे हैं, हार्मोनल कंट्रोल इन प्लांट्स इज़ अ स्लो प्रोसेस। अब इसमें हम देख सकते हैं एक डायग्राम के ज़रिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि डिले बिटवीन रिलीज एंड इट्स अराइवल एट टारगेट सेल। अब इसमें हार्मोनल कंट्रोल जो है वो क्यों स्लो प्रोसेस है, उसकी वजह ये है कि हार्मोन्स तो ये प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हार्मोन्स इनमें वो पार्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ये देखें यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि ये हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, ठीक है, और ये हैं टारगेट सेल्स। तो टारगेट सेल्स वो सेल्स होते हैं जहाँ पर हार्मोन ने आके अपना फंक्शन परफॉर्म करना है। अब इसको प्रोड्यूस करने वाले सेल्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, हार्मोन यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, और इसने जाना कहाँ पे है, टारगेट सेल्स तक, यहाँ तक जाना है, मतलब इन सेल्स को ज़रूरत है इस हार्मोन की। अब ये हार्मोन यहाँ से मूव करेगा, ये डाउनवर्ड आएगा स्टेम के ज़रिए, ठीक है, और यहाँ से ये पहुँचेगा अपने टारगेट सेल की तरफ। तो जब इस हार्मोन की ज़रूरत थी इस बॉडी पार्ट को या उस टारगेट सेल को, तो हार्मोन प्रोड्यूस जो होता है वो डिफरेंट पार्ट में होता है, ठीक है, एक और पार्ट में हो रहा है प्रोड्यूस, और वहाँ से वो मूव करके आ रहा है टारगेट सेल्स की तरफ। तो ये जो उसमें जो टाइम लगता है उसके रिलीज में और उसके अराइवल में टारगेट सेल तक, तो ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है जिसकी वजह से प्लांट्स जो हैं वो स्लो रिस्पॉन्स शो करते हैं। डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सेज टू द एनवायरमेंट। तो इसमें प्लांट हार्मोन्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं जो कि एक कोऑर्डिनेशन शो करते हैं, ग्रोथ डेवलपमेंट के रिस्पॉन्सेज जो हैं वो एनवायरमेंट के स्टिमुलाई को लेकर रिस्पॉन्स शो करते हैं। ये प्लांट हार्मोन्स जो हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं, ऑक्सिन्स हैं, जिब्रेलिन्स हैं, साइटोकाइनिन्स वगैरह, तो इनके सब के डिफरेंट रोल्स हैं, वो आपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ना है। दे आर सिंथिसाइज एट प्लेसिज अवे फ्रॉम वेयर दे एक्ट एंड सिंपली डिफ्यूज टू द एरिया ऑफ एक्शन। जैसे हमने अभी बात की कि ये हॉर्मोन्स जो हैं प्रोड्यूस कहीं और होते हैं और टारगेट सेल्स इनके इनसे दूर होते हैं, जिसकी वजह से इनको ट्रेवल करके मूव करके वहाँ तक जाना पड़ता है, और ये इस टाइम डिले की वजह से ये स्लो रेस्पॉन्स शो करते हैं। प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई बाय रेगुलेटिंग देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अप्रोप्रिएट वेज। एक तो ये कि ये जब रेस्पॉन्स शो करते हैं स्टिमुलस का, जैसे हमने पहले भी बात की कि इनमें ग्रोथ रेट जो है वो चेंज होता है, ठीक है, ये अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं, और उसी के साथ ही कंट्रोलिंग देयर बॉडी फंक्शंस थ्रू प्लांट हार्मोन्स। दूसरा ये कि हार्मोन्स को सेक्रेट करते हैं, जिन हार्मोन्स की ज़रूरत होती है उनको ये सेक्रेट करते हैं ताकि अपने बॉडी फंक्शंस को ये परफॉर्म कर सके। अगर प्लांट को कोई स्ट्रेस मिल रहा है, वाटर स्ट्रेस है, तो उसके लिए वो हार्मोन्स कुछ और सेक्रेट करेगा। अगर उसको कोई और स्ट्रेस मिल रहा है, उसको वाटर स्ट्रेस के साथ तो कोई हीट शॉक मिल रहा है, तो उसके लिए वो कोई और हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा। तो डिफरेंट हार्मोन्स हैं जो कि कोऑर्डिनेट करते हैं और उस बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फिर इसमें आ जाता है हमारे पास प्लांट मूवमेंट्स। प्लांट मूवमेंट्स जो है ये डिटेल में आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, यहाँ एक छोटा सा सिर्फ इसमें रेफरेंस दिया हुआ है कि प्लांट मूवमेंट्स जो हैं, हमने अभी बात की कि जब स्टिमुलस लेते हैं प्लांट्स तो रिस्पॉन्स के तौर पे वो मूवमेंट शो करते हैं, कि वो डायरेक्शनल मूवमेंट हो सकती है, कोई एक बॉडी का ऑर्गन जो है उसका मूव कर सकता है, क्योंकि पूरा प्लांट तो मूव करके नहीं जाता, अपनी जगह पर वो रहता है, सेसाइल होता है, तो उसके डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं। तो इसमें जो मूवमेंट्स होती हैं वो बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं, ऑटोनॉमिक एंड पैराटोनिक मूवमेंट्स। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स वो होती हैं जो कि इंटरनल कॉज की वजह से हों, मतलब स्टिमुलस कोई इंटरनल मिल रहा है या कोई इंटरनल फैक्टर है जिसकी वजह से प्लांट मूव कर रहा है, तो वो जो है मूवमेंट्स वो ऑटोनॉमिक मूवमेंट है। इसी तरह पैराटोनिक जो मूवमेंट्स हैं ये एक्सटर्नल काज की वजह से होती हैं। रेस्पॉन्सेज टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस इन प्लांट्स। अब जैसे हमने अभी पहले बात की कि जब कोई एनवायरमेंटल स्ट्रेस मिलता है, तो वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस क्या होता है, इनफैक्ट वो एक स्टिमुलस है प्लांट को जो मिला है, जब प्लांट ने रिसीव किया है, और प्लांट ने क्या करना है उसके मुताबिक बिहेव करना है, अपना रेस्पॉन्स शो करना है। अब ये जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है ये किसी फैक्टर में भी कोई स्ट्रेस हो सकता है, प्लांट को काफ़ी अरसे तक
लाइट नहीं मिली, ये उसके लिए स्ट्रेस हो सकता है। प्लांट को काफ़ी टाइम तक वाटर अवेलेबल नहीं हुआ, ये उसके लिए वाटर स्ट्रेस हो सकता है। प्लांट को कोई मेजर न्यूट्रिएंट है जो उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है वो नहीं मिल रहा, तो वो उसके लिए स्ट्रेस है। तो एनवायरनमेंट के तमाम वो फैक्टर्स जो प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं अगर वो उसको अवेलेबल नहीं है तो ये उसके लिए एनवायरमेंटल स्ट्रेस कहलाते हैं। अब ये प्लांट को चाहिए क्या क्या, उसकी सर्वाइवल के लिए क्या ज़रूरी है? सबसे पहले तो मेजर जो है उसको सनलाइट चाहिए, ठीक है, सनलाइट है। उसके साथ ही उसको वाटर भी चाहिए, और उसके अलावा उसको सॉइल चाहिए, वो मीडियम जहाँ उसने ग्रो करना है, और उस सॉइल के अंदर उसको वो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए जो कि उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। अब ये सारे फैक्टर्स मौजूद होंगे तो प्लांट प्रॉपरली ग्रो करेगा। अगर इनमें से कोई एक फैक्टर भी कम है या प्रॉपर उसको नहीं मिल रहा तो वो उसके लिए एनवायरमेंटल स्ट्रेस होगा, और प्लांट फिर उसके मुताबिक जो है बिहेव करेगा, या उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आएगी तो वो उसका रिस्पॉन्स होगा। तो जैसे हमने बात की कि प्लांट में जब कोई स्ट्रेस का स्टिमुलस आता है तो वो उसके मुताबिक रिस्पॉन्स शो करता है। अगर ऐसा हो कि प्लांट्स को एक ऐसी जगह पर ग्रो कराया जाए जहां उसको काफ़ी अरसे तक लाइट ना मिले, विदाउट लाइट अगर उसको ग्रो कराया जाए, तो ये देखा गया है कि वो नॉर्मली ग्रो नहीं करता, बल्कि क्या होता है कि उसमें एक तो ये कि उसमें क्लोरोफिल ख़त्म होना शुरू हो जाता है जब उसमें उसको लाइट नहीं मिलती, दूसरा ये कि वो नॉर्मल हाइट से ज़्यादा इलोंगेटेड हो जाता है। ऐसी कंडीशन को इटियोलेटेड कंडीशन कहते हैं, ऐसा प्लांट इटियोलेटेड प्लांट कहलाता है। अब यहाँ पर देखें, नीचे यहाँ आपको दिखाया गया कि ये एक ही प्लांट है, ये उसकी नॉन इटियोलेटेड फॉर्म दिखाई गई है, मतलब ये एक नॉर्मल प्लांट है, और यही प्लांट जब एक ऐसी जगह पर ग्रो कराया गया है जहाँ उसको लाइट नहीं मिली, तो ये देखें ये हाइट में अपने इस नॉर्मल प्लांट से थोड़ा सा बड़ा है, और इसमें क्लोरोफिल जो है वो ख़त्म होना शुरू हो गया। क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन पिगमेंट होता है, लीव्स में जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्लोरोफिल जब ख़त्म होना शुरू हो जाता है तो लीव्स जो है वो येलोइश कलर के हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट डायग्राम में भी यही दिखाया गया कि लाइट इस प्लांट को अवेलेबल है, ठीक है, तो ये प्रॉपरली ग्रो कर ले, और यहाँ पर जो है ये सन लाइट जो है इसको पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से ये इसकी देखें लेंथ भी ज़्यादा है, और इसी के साथ इसमें क्लोरोफिल जो है वो ख़त्म होना शुरू हो गया। इसी तरह से ये नेक्स्ट इसमें भी आप देख सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हैं कि एक नॉर्मल प्लांट है, और इसी प्लांट को देखें जब ऐसी कंडीशन में ग्रो कराया गया जहाँ सनलाइट नहीं थी, तो ये इस तरह से ग्रो कर रहा है, हाइट भी इसकी ज़्यादा है और इसमें क्लोरोफिल जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो ये तमाम जो है ये इटियोलेटेड प्लांट्स हैं। फिर इसमें आ जाते हैं नेक्स्ट क्लोरोसिस। क्लोरोसिस क्या होता है? क्लोरोसिस होता है लैक ऑफ क्लोरोफिल, की क्लोरोफिल की कमी हो जाना। अब क्लोरोफिल की कमी क्यों होती है? एक तो हमने बात की कि सनलाइट के ना होने की वजह से क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। दूसरा ये कि कुछ मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, जब तक वो उसको मिलते रहते हैं प्लांट प्रॉपरली ग्रो करता है और उसमें जो क्लोरोफिल है पिगमेंट वो रहता है। अगर वो मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स उसको नहीं मिलते तो उसमें इस तरह के येलोइश ह्यूज, येलो कलर के पैचेस जो हैं उनके लीव्स में नज़र आना शुरू हो जाते हैं, मतलब उनमें जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो बनना ख़त्म हो जाता है या वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं क्लोरोसिस। इस कंडीशन को यहाँ पर आपको लीव्स देखें, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये येलो होना शुरू हो गए हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर भी देखें तो ये लीव्स जो ये येलो पार्ट है ये क्लोरोटिक पार्ट है, और ये कंडीशन कहलाती है क्लोरोसिस। नेक्स्ट इसमें आपकी जो बुक में है वो है डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में जब कोई पैथोजन का अटैक होता है तो वो कैसे अपने आप को डिफेंड करता है, उससे बचाता है? पैथोजन्स क्या होते हैं? पैथोजन्स होते हैं डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऐसा जानदार, कोई ऐसा पैरासाइट, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट में बीमारी पैदा कर रहा है, डिजीज़ काज कर रहा है, वो पैथोजन है। इसी तरह एनिमल पैथोजन्स भी होते हैं। तो यहाँ पर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो प्लांट पैथोजेंस जो कि प्लांट में कोई डिजीज़ पैदा कर सकते हैं वो वायरसेस भी हो सकते हैं, कोई बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, या लाइकन हो सकते हैं। लाइकन एसोसिएशन होता है फंजाई और एलजी का। तो इनमें से कोई भी पैथोजन जो है वो प्लांट का हो सकता है। जब वो प्लांट की बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं तो वो उसमें डिजीज़ काज करते हैं। उसके अलावा जब वो एंटर होते हैं प्लांट बॉडी के अंदर, तो जहाँ से वो एंटर होते हैं वहाँ पर वो कोई इंजरी पैदा करते हैं, या वहाँ पर वो कोई वाउंड सा बन जाता है, या नेचुरली भी ऐसा हो सकता है कि किसी प्लांट में कोई कहीं पर कोई कट आ जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, तो उसमें रीजनरेशन की एबिलिटी तो है कि सेल्स डिवाइड होते हैं, डिवीजन स्टार्ट करते हैं,
और मज़ीद सेल्स बनाते हैं। और ये देखा गया है कि मोस्टली ऐसा होता है कि वो वाउंडेड जो साइट होती है वो किसी इंजरी की वजह से हुई है, किसी बैक्टीरियल अटैक की वजह से हुई है कि बैक्टीरिया यहाँ से एंटर हुआ है, वायरस एंटर हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर ये कट हुआ था और यहाँ पर सेल्स की ग्रोथ हुई है उस जगह पर सेल डिवीजन की वजह से। तो वो जगह जो है वो इस तरह से, जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये यहाँ पर इस तरह से ग्रोथ होती है जिसको हम कैलस कहते हैं। इनफैक्ट होता क्या है, कैलस इज़ ए मॉर्फस मटीरियल विद पुअर डिफ्रेंशिएशन, कि बहुत सारे सेल्स तो बन गए हैं लेकिन सेल्स जो हैं वो तादाद में भी ज़्यादा हैं और डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाई उनमें, मतलब वो डिफ्रेंशिएटेड ही नहीं हुए कि किस सेल ने एपिडर्मिस बनाना है, किसने अंदर मीजोफिल बनाने हैं सेल्स और किसने अंदर जाके कॉर्टेक्स बनाना है। इस तरह से डिफरेंट जो उसमें सेल्स की डिफरेंशिएशन होती है वो इसमें नहीं हो पाए। सेल डिफरेंशिएटेड ना होने की वजह से ये एक एमॉर्फस मटेरियल की फॉर्म में, एमॉर्फस मीन्स जिसकी कोई मॉर्फोलॉजिकल स्टेटस कोई ना हो, ठीक है, कोई उसकी प्रॉपर शेप स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो किसी वाउंडेड साइट पर बन जाता है जिसको कैलस कहा जाता है। उसके अलावा प्लांट्स में जब कोई पैरासाइट का अटैक होता है या कोई एनवायरमेंटल स्ट्रेस उसको मिलता है तो उसके वजह से उसमें गाल्स एंड ट्यूमर्स भी बनना शुरू हो जाते हैं। अब गाल्स या ट्यूमर्स जो हैं ये ज़्यादातर बैक्टीरिया की वजह से बनते हैं, कि बैक्टीरिया का जब अटैक होता है प्लांट के ऊपर तो उसमें जगह जगह पर गाल्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब गाल्स क्या होते हैं, यहाँ पर डायग्राम में पहले आप देख लें कि किस तरह से ये गाल्स आपको नज़र आ रहे हैं। गाल्स या ट्यूमर्स कोई उभार से होते हैं, यहाँ पर ये देखें इस लीफ के ऊपर ये जगह जगह पर ये दिखाए गए हैं कि इस तरह से ये गाल्स इसके ऊपर डेवलप हो गए हैं। यहाँ पर देखें तो इन लीव्स के ऊपर भी ये गाल्स ट्यूमर्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। अब होता क्या है कि किसी बैक्टीरियम की वजह से अगर ये ट्यूमर्स बन रहे हैं तो जहाँ पर ट्यूमर बनता है वहाँ पर सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा होती है, सेल्स तादाद में बढ़ते जाते हैं लेकिन वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते, लेस डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। अब देखें उनकी ग्रोथ ज़्यादा होने की वजह से वो गाल्स की फॉर्म में आ गए हैं, ठीक है, इस तरह से ट्यूमर्स इन्होंने बना लिए क्योंकि डिवीजन बहुत ज़्यादा हुई है, सेल्स तादाद में बहुत ज़्यादा बन गए हैं लेकिन वो कोई प्रॉपर शेप नहीं बना पाए, कोई उनमें डिफरेंशिएटेड नहीं हुए वो, तो जिसकी वजह से वो एक एमॉर्फस जो है वो स्ट्रक्चर बना रहे हैं और ये साथ वाले जो डिफरेंशिएटेड टिश्यूज़ हैं उनको भी इफ़ेक्ट कर रहे हैं, उनमें भी ये इन्वेड कर रहे हैं, इन्वेजन हो रही है इनकी कि वहाँ पर भी ये दाखिल हो रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इसी के साथ हमारा है बायोलॉजिकल क्लॉक्स एंड सर्कैडियन रिदम्स। बायोलॉजिकल क्लॉक्स क्या है या सर्कैडियन रिदम्स क्या हैं? क्लॉक किस मकसद के लिए होती है, कि एक फिक्स्ड आपको टाइम बताने के लिए होती है। बायोलॉजिकल क्लॉक्स मींस के किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई एक ऐसी क्लॉक, एक ऐसा टाइमर मौजूद हो जो कि उसकी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता हो। तो हम इसके बारे में देखते हैं कि ये हैं क्या, यह आपकी बुक से ही है। In living things, the behavior activities occur at regular intervals, which are called biorhythms or biological rhythms. तो जानदारों में ये देखा गया है कि उनमें जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं बिहेवियर के हवाले से वो एक रेगुलर इंटरवल के साथ रिपीट होती रहती हैं। तो एक रेगुलर टाइम पीरियड के बाद वो एक्टिविटी जो है वो उसमें रिपीट होती है। तो ये जो रेगुलर इंटरवल के बाद एक्टिविटी का रिपीट होना है ये बायोरिदम कहलाता है। बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म से है और रिदम मीन्स एक प्रॉपर, एक रेगुलर इंटरवल के बाद एक चीज़ के रेपिटेशन का होना। तो वो रेपिटेशन जो है वो एक रिदम के साथ एक्टिविटी का होना, ये बायोलॉजिकल रिदम है। तो बायो रिदम्स में अक्कर शोइंग पीरियडिसिटी ऑफ अबाउट 24 आवर्स, दीज आर कॉल्ड सर्कैडियन विच मीन्स अबाउट वन डे, सो दे आर आल्सो कॉल्ड डायर्नल रिदम्स। अब ये जो बायो रिदम्स देखे गए हैं कि कोई भी प्लांट में एक्टिविटी है वो एक रेगुलर टाइम पीरियड के बाद दोबारा रिपीट हो रही है, दोबारा वो एक्टिविटी वो शो कर रहा है। तो देखा गया कि ये जो एक्टिविटी होती है उसमें 24 आवर्स के बाद रिपीट होती है, मतलब उसमें जो टाइम इंटरवल है वो 24 आवर्स का है, कि एक एक्टिविटी उसने अगर सुबह के टाइम शो की है तो 24 आवर्स गुजरने के बाद अगले दिन सुबह के टाइम फिर वही वो एक्टिविटी शो कर रहा है। तो ये उसका जो रिदम है ये डायर्नल रिदम भी कहलाता है, या इसको सर्कैडियन रिदम कहते हैं। जैसे कि सर्कैडियन जो है ये लेटिन वर्ड है और इसका मतलब सिरका मींस अबाउट एंड डाइज मींस डे, कि मतलब एक दिन के बाद, दिन और रात के 24 घंटे बनते हैं ना, तो 24 घंटे के बाद जो एक्टिविटी रिपीट होती है ये डायर्नल रिदम्स में आ जाती है। और अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है, कोई ऐसा बिहेवियर है प्लांट का जो कि
365 डेज के बाद रिपीट हो रहा है, मतलब 365 डेज पूरा एक साल है। एक साल के बाद प्लांट दोबारा वही एक्टिविटी शो करता है जो उसने एक साल पहले की थी। तो ये जो बायोरिदम है ये उन एक्टिविटीज़ का ये सिरकेनुअल कहलाता है। अब इसमें एग्जांपल आप देखें कि क्या हो सकती हैं कि एक प्लांट है वो जनवरी में, हम सपोज करते हैं कि वो जनवरी में फ्लावरिंग करता है, ठीक है। एक साल उसने जनवरी में फ्लावरिंग की, नेक्स्ट ईयर वो प्लांट फिर जनवरी में ही फ्लावरिंग कर रहा है, मतलब पूरे एक साल के बाद उसमें फ्लावरिंग हुई है। तो उसमें जो ये रिदम पाया जा रहा है 365 डेज का रिदम, तो ये सिर्क एनुअल रिदम है। यहाँ पर भी आपको ये दिखाया गया है इस तरह से। और डायर्नल रिदम्स में आप ये देख सकते हैं कि 24 घंटे के बाद की जो एक्टिविटी होती है, लेट से कि कोई एक ऐसा प्लांट है जिसमें फ्लावर्स जो हैं दिन के टाइम वो ओपन हो जाते हैं, और रात के टाइम जो ही सनलाइट कम होती जाती है, शाम होती है और रात होती है, तो उनमें फ्लावर्स जो हैं वो अपनी पेटल्स को क्लोज कर लेते हैं। तो एक प्लांट जो सुबह सवेरे अपनी पेटल्स को खोल लेता है, ओपन होता है, नेक्स्ट डे भी फिर उसी टाइम ही वो ये एक्टिविटी शो करता है कि ओपनिंग ऑफ फ्लावर, फिर नेक्स्ट डे वो 24 आवर्स गुजरने के बाद फिर वही ओपनिंग करता है। तो ये उसमें डायर्नल रिदम कहलाता है। तो हमने क्या कहा कि बायोलॉजिकल रिदम्स जो हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, कि अगर वो 24 और इंटरवल के बाद अपनी एक्टिविटी जो है रिपीट कर रहे हैं तो डायर्नल रिदम है, अगर वो 365 डेज मींस पूरे एक साल के बाद अपनी कोई एक्टिविटी है उसको रिपीट कर रहे हैं तो ये सिरकेनुअल रिदम कहलाता है। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया कि बहुत सारे प्लांट के प्रोसेस ऐसे हैं जो कि रिदमिक चलते रहते हैं। यहाँ पर ये सेंटर में आपको बायोलॉजिकल क्लॉक दिखाई गई है, और इसमें दिखाया गया है कि डिफरेंट इसमें बायोटिक स्ट्रेस भी है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो भी इस पर इफेक्ट कर रहे हैं प्लांट की बॉडी के ऊपर, और उसमें अपनी जो एक इंटरनल क्लॉक है, मतलब हम कहते हैं कि बायोलॉजिकल जो रिदम है कि एक रिपीटिशन हो रहा है एक एक्टिविटी का, तो बॉडी के अंदर कोई एक ऐसी क्लॉक है, उसके अंदर कोई इस तरह के जीन्स हैं जो कि उसको टाइमर के तौर पे एक्ट कर रहे हैं और उस एक्टिविटी को फिर रिपीट कर रहे हैं एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद। द ऑर्गेनिजम्स कम अक्रॉस एनवायरमेंटल चेंजेस दैट आर साइक्लिकल इन नेचर सच एज डेज, टाइड्स एंड सीजन्स एट्सेट्रा। वैसे तो हम देखते हैं कि मौसमी असरात भी बहुत ज़्यादा उनका असर होता है प्लांट्स की ग्रोथ के ऊपर भी और उनके बिहेवियर रिस्पांस के ऊपर भी। जैसे हमने पहले भी बात की कि सनलाइट वगैरह इन फैक्टर्स का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, डे और नाइट का होता है, टाइड्स का, ये जो समुद्री लहरें होती हैं, और उसके अलावा सीजन्स के चेंज होने से भी प्लांट्स में जो एक्टिविटीज़ हैं वो चेंज होती हैं। मैनी ऑर्गेनिजम्स मेंटेन इंटरनल रिदम और क्लॉक to predict the onset of periodic changes and to keep them prepared for these changes. लेकिन इसी के साथ ही environmental changes का भी response show करते हैं plants, लेकिन उसके साथ उनके अंदर internal एक clock भी होती है जो कि पहले से predict कर देती है कि उसने अब एक regular interval उसका पूरा हो रहा है, तो उसके बाद उसने कौन सी activity जो है उसको repeat करना है। Biorhythms may be the result of the following. There may be direct response to various changes in the external stimuli. अब ये जो बायोरिदम्स हैं, एक तो ये कि जो एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है मतलब एनवायरनमेंट की तरफ से जो तब्दीली एनवायरनमेंट में आ रही है उस स्टिमुलस का भी ये रिस्पांस शो करते हैं डायरेक्ट। दूसरा ये कि देयर मे बी एन इंटरनल एंडोजीनस रिदम दैट प्रोग्रेसिस द ऑर्गेनिजम्स बिहेवियर इन सिंक्रोनिसिटी विद द एक्सोजीनस टेम्पोरल पीरियड, पार्टिकुलरली अ 24 आवर और अ 365 डे पीरियड। उसके अलावा इसमें इंटरनल रिदम भी होता है जिसको एंडोजीनस कहते हैं। अगर बाहर का कोई स्टिमुलस इफेक्ट कर रहा है तो हम कहते हैं ये एक्सटर्नल है, ये एक्सोजीनस फैक्टर है या स्टिमुलस है। अगर कोई इंटरनली इस तरह से हो रहा है कि बाहर के स्टिमुलस में कोई इस तरह की चेंजिंग नहीं आ रही, फिर भी बॉडी जो है वो एक इंटरवल के साथ एक रेगुलर टाइम पीरियड के बाद अपनी एक्टिविटी जो है उसको रिपीट कर रही है, वो टाइम पीरियड जैसे हमने पहले बात की 24 आवर पीरियड भी हो सकता है जिसको हम डायर्नल रिदम कहते हैं, या फिर 365 डे पीरियड भी हो सकता है जिसको हम सिरकेनुअल रिदम कहते हैं। तो एक साल के बाद या 24 घंटे के बाद जो एक्टिविटी वो रिपीट करता है वो उसमें पहले से उसके बॉडी के अंदर जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक जिसको हम नाम देते हैं उसके जीन्स में ये सारा कुछ मौजूद होता है जिसकी वजह से वो ये जो बिहेवियर है वो शो करता है। द सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और टू। अब इसमें क्या होता है कि सिंक्रोनाइजेशन होती है। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है कि किसी दो चीज़ों का एक ही
वक्त में होना और एक ही रेट से होना, कि एक ही टाइम पे हो रहे हैं, दो कोई प्रोसेस हैं और एक ही रेट से हो रहे हैं, तो ये सिंक्रोनाइजेशन कहलाता है। द रिदम्स आर इन वंस जीन्स बट द एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस द रिदम्स टू सम एक्सटेंट। जैसे हमने पहले भी बात की कि एनवायरनमेंट की जो चेंजेस होती हैं, मौसमी तब्दीलियां हैं या एनवायरनमेंट की कोई भी ऐसी चेंजेस हैं, तो वो भी इन्फ्लुएंस करती हैं, उसका भी इफेक्ट होता है, प्लांट के बिहेवियर को वो इन्फ्लुएंस करती हैं। उसके अलावा उसके अंदर के जो जीन्स हैं जो कि ये रिदमिक पीरियडिसिटी जो है ये शो करते हैं और एक रिदम के साथ जो है ये एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं, तो ये उसके जीन्स के अंदर भी ये चीज़ मौजूद होती है। दस टाइमिंग ऑफ बिहेवियर रिजल्ट्स फ्रॉम अ कम्बिनेशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ रिदमिकल इंटरनल प्रोसेसेस एंड टाइम्ड इवेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कम्बिनेशन है दोनों चीज़ों का, कि एक ये कि प्लांट के बॉडी के अंदर जो उसकी इंटरनल क्लॉक है जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, कि उसके अंदर पहले से जीन्स में वो इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि उसने कितने इंटरवल के बाद किस एक्टिविटी को जो है वो रिपीट करना है, उसके जीन्स में ये इनेट उसके अंदर मौजूद है, और दूसरा एनवायरनमेंट जो है वो भी उसको उसका साथ देती है, और ये दोनों जो है मिलके फिर इस तरह से प्लांट के बिहेवियर को शो करते हैं। यहाँ देख लेते हैं कि बेसिक पीरियड ऑफ द क्लॉक इज़ इनेट। इनेट मीन्स कि इनबॉर्न जो है प्लांट के अंदर उसके जीन्स में ये चीज़ मौजूद होती है। एरविन बनिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन जर्मनी हैज़ शोन दैट एक्सपोजर ऑफ फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला टू कॉन्स्टेंट कंडीशंस फॉर 15 कंजेक्टिव जनरेशन फेल्स टू एलिमिनेट द एसेंशियली 24 और रिदम ऑफ दिस इंसेक्ट। अब इन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट किया ड्रोसोफिला के ऊपर, फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला जो है उसको लिया उन्होंने, और इन्होंने क्या किया कि एक लंबे टाइम पीरियड का एक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि उनको उस ड्रोसोफिला को उन्होंने कांस्टेंट कंडीशंस में रखा, ऐसी कंडीशंस में रखा जिसमें बाहर के एनवायरनमेंट की तब्दीलियां जो हैं वो उस एक्सपेरिमेंटल एरिया में ना आ सके। मतलब उन्होंने खुद से उसको कंडीशंस दी और एक ही जैसी कंडीशन पूरा साल वो देते रहे। मतलब एक टेम्परेचर दिया है तो उसको कम ज़्यादा नहीं किया, जैसे मौसमी तब्दीलियाँ आती रहती हैं, बाहर का टेम्परेचर कम ज़्यादा होता रहता है गर्मियों सर्दियों में, इस तरह का नहीं किया। उन्होंने कांस्टेंट कंडीशंस दी, तमाम कंडीशंस जो फैक्टर्स उसने उन्होंने प्रोवाइड किए ड्रोसोफिला की ग्रोथ के लिए वो कांस्टेंट रख दिए, एक जैसे रखे, और कब तक रखे कि उस ड्रोसोफिला की 15 कंजेक्टिव जनरेशंस तक, कि उसकी आगे 15 जो हैं कंजेक्टिव नस्लों तक उन्होंने वो कंडीशंस जो थी उनको कांस्टेंट रखा। वो ये देखना चाहते थे कि अगर बाहर की कंडीशंस जो हैं वो चेंज नहीं हो रही, एनवायरनमेंट की कांस्टेंट हैं, तो क्या वो ड्रोसोफिला वो रिदमिसिटी शो करेगा। तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर वो जो बायो रिदम पाया जाता है कि 24 आवर्स के बाद उसने जो एक्टिविटीज़ शो करनी थी वो उसी तरह से ही शो कर रहा है, चाहे एनवायरनमेंट का उसको इन्फ्लुएंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है, इट मीन्स कि एनवायरनमेंट टोटली जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, बल्कि उसके जीन्स में ये इनेट है और ये पहले से ये जो टाइमर है ये सेट है जो कि उसको प्रिडिक्ट करता है और फिर उसमें किसी एक्टिविटी को इनिशिएट करता है। और ये बायोरिदम्स जो हैं ये प्लांट्स में तो होते हैं और उसके साथ ये एनिमल्स में भी इस तरह के बायोलॉजिकल रिदम्स जो हैं वो देखे गए हैं, उसमें एक्टिविटीज़ डिफरेंट जो हैं वो बायोलॉजिकली इस तरह से होती हैं। दैट्स इट, ये आज का हमारा टॉपिक था, आपने इसको बुक से रीड भी करना है और इसको याद भी करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।